हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQTech। आज हम देखेंगे वर्डप्रेस परमालिंक सेटिंग्स के बारे में। हम वर्डप्रेस परमालिंक को कैसे यूज करते हैं, वर्डप्रेस परमालिंक होता क्या है, ये पूरा हम प्रोसेस में आज देखेंगे। देखिए, मैं आपको परमालिंक समझा देता हूँ। परमालिंक होता है आपकी वेबसाइट का URL। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि ये मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन कर दिया। देखिए, ये मेरी वेबसाइट है और मैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा ये आपकी वेबसाइट का, तो ये क्या हो गया, मेन URL हो गया कि लोकल होस्ट WSQTech। मतलब जो इसके आगे अबाउट डैश अस जो जुड़ा है वो आपका परमालिंक है। मतलब आप इसको चेंज कैसे करेंगे, और परमालिंक आपको ये SEO फ्रेंडली रखना चाहिए। SEO फ्रेंडली क्यों रखना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर मान लो कोई सर्च करता है आपकी वेबसाइट को गूगल पे जाके, तो परमालिंक भी क्या करता है, मैटर करता है। परमालिंक हम कहां से चेंज करेंगे ये पूरा हम प्रोसेस देखेंगे। देखिए, परमालिंक का ऑप्शन कहां पे आता है मैं आपको बता देता हूं। परमालिंक का ऑप्शन आता है, आप जाएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाएंगे आपके पास ऑप्शन आएगा सेटिंग्स के अंदर परमालिंक्स। देखिए, परमालिंक्स डिफॉल्ट में, देखिए कॉल कैसे हो रहा है डिफॉल्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। डे एंड नेम, मतलब आपका अगर मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, पोस्ट ओपन करने का मतलब है मैं ब्लॉग वाले पेज पे जाता हूँ, ब्लॉग वाले पेज पे जाके इस पोस्ट को ओपन करता हूँ। देखिए, आपका जो ओपन हो रहा है यहाँ पे ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे टाइटल आ रहा है। मगर आप क्या चाहते हैं, जो मेरा परमालिंक बनना चाहिए वो कैसे बनना चाहिए, बस इतना सा परमालिंक बने कि लोकल होस्ट WSQTech और साथ में ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाए, और ईयर वो हटाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपको अपना परमालिंक आईडी से कॉल करना है तो क्या करना है। तो आईडी से कॉल करने के लिए आप यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, प्लेन सेलेक्ट करेंगे और जाके आप यहाँ से सेव करेंगे, तो क्या होगा कि आपका परमालिंक ऊपर आईडी से कॉल होगा, मतलब पी इक्वल टू जो भी पोस्ट की आईडी होगी वो दिख जाएगी। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आप होम पेज पे गया, ब्लॉग पे गया, देखिए ये दिख गई पेज आईडी इक्वल टू 69, तो ये आईडी से कॉल होने लग गया। पहले किससे कॉल हो रहा था, आपके टाइटल से कॉल हो रहा था पेज तो, और पोस्ट किससे कॉल हो रहा था, ईयर मंथ और डे के बाद में टाइटल आ रहा था। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या बना है, P61। तो आप परमालिंक को आईडी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट सर्वर पे अपलोड करते हैं तो वेबसाइट चलती नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले यहां से आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप इसमें से कोई सी और सेटिंग दोबारा चेंज कर दीजिए, तो आपका जो आपकी वेबसाइट का परमालिंक है वो परफेक्टली क्या करेगा, काम करेगा। देखिए, ये हो गया मंथ एंड नेम से, ए एंड नेम तो काम कर रहा था, जैसे यहाँ पे ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है, और क्या आ रहा है, डेट आ रही है। अब मंथ एंड नेम करेंगे तो फिर क्या होगा, ईयर और मंथ आ जाएगी, और आपका पोस्ट का टाइटल जो भी है। न्यूमेरिक करेंगे तो आपका क्या होगा, आर्चीव करके फिर नंबर के अकॉर्डिंग वहां पे दिखाने लगेगा। देखिए, अपने को जो मेन फोकस करना है वो दो चीजों पर करना है, या तो प्लेन चलता है, या हम क्या चलाते हैं, पोस्ट का नेम। देखिए, मैं यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा फिर से कहाँ पे, ब्लॉग वाले पे, और मैं किसी एक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे पोस्ट पे क्लिक किया, तो आप नोटिस करिएगा आपका जो URL बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपके टाइटल से रिलेटेड बन रहा है। जो आपने टाइटल वहां पे क्या किया था, पास किया था, वही आपका क्या है, परमालिंक बन रहा है। देखिए, इसको टेक्निकली टर्म में स्लग भी कहते हैं। अगर कोई वर्डप्रेस की कोडिंग के थ्रू इसको देखता है और समझता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लग। अब मैं कोड तो कर नहीं रहा, मैं आपको डायरेक्ट ही क्या बता रहा हूँ, डैशबोर्ड से ओपन करके परमालिंक बता रहा हूँ कैसे सेट करते हो आप। जब आप परमालिंक सेट करते हो तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर परमालिंक। ये सारे हैं कि आपको आईडी से कॉल करना है, या आप कस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो अगर कस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी बता दीजिए क्या रखना है, तो जो आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। जैसे आप ईयर रखेंगे, यहाँ पे मंथ रखेंगे, डे रखेंगे, फिर पोस्ट का नाम, तो ये आपका कस्टम स्ट्रक्चर हो जाएगा। कस्टम स्ट्रक्चर के लिए मान लिया जाए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डे को ऐड कर देता हूँ, डे और पोस्ट नेम, और कस्टम स्ट्रक्चर के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से ब्लॉग वाले पेज पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या आया है, आपका आया है कि कौन सी तारीख को आपने ये ब्लॉग ऐड किया था और साथ में उसका टाइटल। तो कस्टम स्ट्रक्चर भी बना सकते हो कि आपको क्या क्या शो करना है, मगर मोस्टली जो हम करते हैं, मैं आपको बताते हूँ, या तो प्लेन पे काम करेंगे या पोस्ट नेम पे। प्लेन पे जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब जब हम वेबसाइट बना रहे हैं, और पोस्ट नेम पे कब कर देंगे, जब हम वेबसाइट को क्या कर देते हैं, लाइव कर देते हैं। देखिए, पोस्ट नेम पे ही मोस्टली रहता है, और यहाँ से आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए, रिफ्रेश करने बाद उसने खुद ही चेंज कर दिया, यहाँ पे बता दिया कि आपका जो परमालिंक कैसे कॉल हो रहा है, पोस्ट नेम से कॉल हो रहा है। अब आते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपको कैटेगरी का परमालिंक, मान लो देखो इस कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट वाले पे, जब मैं बिजनेस डेवलपमेंट वाले पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए URL क्या बनता है, लोकल होस्ट WSQTech कैटेगरी बिजनेस डेवलपमेंट। मान लिया जाए ये कैटेगरी है, मुझे क्या करना है, कैटेगरी की जगह कोई और नाम सेट करना है, वो बता रहा है कि इस नाम की कैटेगरी खुल गई है
और नीचे उसके पोस्ट क्या हो गए, आपके डिस्प्ले हो गए। ये जो कैटेगरी है इसको आपको चेंज करना है, तो ये कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएंगे कहाँ पे, नीचे देखिए कैटेगरी बेस। अगर आपको कैटेगरी की जगह कुछ और लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स, तो होगा क्या कि वो कैटेगरी को रिप्लेस करेगा और वहां पे क्या दिखाएगा आपको, कोर्स। मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद पोस्ट नेम के लिए तो वो बन गया है, अब मैं जो बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा था, कैटेगरी के लिए। और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, पेज कांट बी फाउंड, मतलब पेज फाउंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका ये जो है ये अब कैटेगरी से कॉल ही नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोर्स। अब देखिए यहाँ पे मैं बिजनेस डेवलपमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पे देखिए आपका क्या बना है, कोर्स के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे वो कैटेगरी शो हो रही थी उसको ओवरराइट किससे कर दिया, मैंने कोर्स से कर दिया। अब जब भी आप कैटेगरी ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट न्यू को ओपन करता हूँ, तो देखिए कोर्स ऐप डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट न्यू, मतलब कोर्स तो मेन हो गया जो आपकी कैटेगरी थी, उसके अंदर जो आपने कैटेगरी बनाई है ऐप डेवलपमेंट, और ऐप डेवलपमेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी बनाई है, ऐप डेवलपमेंट न्यू। तो ये परमालिंक का प्रोसेस होता है कि आप परमालिंक को चेंज कहां से करते हैं। ये ध्यान रखिएगा गाइस कि पोस्ट में आपको प्लेन चलाओगे, प्लेन में क्या होगा, आईडी से कॉल होगा, और पोस्ट नेम से चलाओगे तो किससे कॉल होगा, टाइटल से कॉल होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप परमालिंक बनाएंगे कैसे, चेंज कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि एक पेज है अबाउट अस, यहाँ पे देखिए, और अबाउट अस पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट डैश अस। आप यहाँ पे क्या जोड़ना चाहते हैं, डब्ल्यू एस क्यूब टेक डैश अबाउट डैश अस, मतलब आप डब्ल्यू एस क्यूब टेक भी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। वो क्या करता है, जैसे आप इसके अंदर टाइटल लिखते हैं पेज के अंदर, तो उसी टाइटल को क्या बना देता है, परमालिंक बना देता है। देखिए आप कहां पे जाना, मैं आपको बता देता हूं, आपको जाना है पेजेस के अंदर, पेजेस के अंदर अबाउट अस में जाइए, यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपके दिख रहा है परमालिंक का ऑप्शन, देखिए राइट साइड में परमालिंक्स, ये देखिए अबाउट अस है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो भी जोड़ना है आप यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक डैश अबाउट अस, और यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ, जो आपके पेज का यूआरएल होगा वो क्या बन गया होगा, डब्ल्यू एस क्यूब टेक डैश अबाउट अस। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है पेज नहीं फाउंड हो रहा है, क्योंकि ऊपर अभी भी क्या कॉल हो रहा है, अबाउट अस। आप पहले होम पेज पे चले जाइए, फिर आप अबाउट अस पे क्लिक करिए, आपका पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और देखिए परमालिंक आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ध्यान से नोटिस करिएगा, डब्ल्यू एस क्यूब टेक डैश अबाउट अस आपके सामने क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जब भी कोई पोस्ट ऐड करते हैं, जब भी कोई पेज ऐड करते हैं, तो आप उसका परमालिंक खुद से बना सकते हैं कि क्या रखना है। नहीं तो वो डिफॉल्ट में पेज का जो नाम रखते हो या पोस्ट का जो आप नाम रखते हो वो उससे ही उसका परमालिंक क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। और परमालिंक हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस कि स्मॉल लेटर में होता है, और जो अगर तीन वर्ड है तो उनके बीच में क्या लगा रहता है, डैश लगा रहता है, वो खुद ही लगा देगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट में भी करना है तो आपके पास क्या है, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस का मतलब पोस्ट में जाएंगे, वहां भी एडिट पे करेंगे, और वहां पे भी परमालिंक का ऑप्शन आएगा, वहां पे भी आप अपने पोस्ट का परमालिंक क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखिए गाइस हम परमालिंक को कैसे सेट करते हैं, पेज आईडी से या पेज पोस्ट नेम से जो भी है उससे कैसे सेट करेंगे, और दूसरा हम परमालिंक बनाएंगे कैसे, ये सारा प्रोसेस आज हमने देखा है। थैंक यू सो मच गाइस।